नमस्कार और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत 6 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के कोने कोने में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। इन रेलवे स्टेशनों में एक स्टेशन उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती भी होगा। दीगर है कि देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश में कभी पिछड़ी जिलों में शामिल रहने वाले बस्ती को देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत का उपहार देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। वह बस्ती सहित 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे। बस्ती के लोगों को विकास रूपी सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री का बस्ती की सम्मानी जनता की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। सांसद ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। शहर के दोनों किनारों को समुचित रूप से जोड़ते हुए इन स्टेशनों की सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। यह एकीकृत दृष्टिकोण रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र पर केंद्र शहर के समग्र शहरी विकास के विजन से प्रेरित है। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, उड़ीसा में 25, पंजाब में 22, गुजरात में 21, तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल हैं। पुनर्विकास कार्य से अच्छी तरह से सुव्यवस्थित यातायात सुविधा, इंटरमोडल एकीकरण और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए चिन्हों को सुनिश्चित करने के साथ साथ यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। बस्ती समेत देश की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।